रख दिया यहाँ पे दूध खीर बनाने के लिए, और आप लोग देखते रहिए अभी मैं कैसे खीर बनाती हूँ। प्लीज़ आप लोगों को अगर मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा। प्लीज़ प्लीज़ जितने मेरे भाई बहन मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अभी मैंने दूध रख दिया है, उबाल आने तक मैं इसको चलाती रहूँगी, उसके बाद में फिर उसमें चावल डालूँगी, तब तक चावल ले आती हूँ जाकर। ये देखिए फ्रेंड, मैं इतने ही चावल सिर्फ डालूँगी, आप लोग देख लीजिए ज़्यादा कोई नहीं है चावल, और ये सेला वाले चावल हैं और काफ़ी मस्त खीर बनेगी। आप लोग देखिएगा इतने चावल हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, एक मुट्ठी चावल हैं, देखिए इतने तीन मुट्ठी होगी, इतने इतने चावल तीन मुट्ठी होंगे, ये देखिए इतने ही चावल डालूँगी, और 2 किलो दूध में, ये देखिए दूध भी बॉइल हो रहा है, देखिए देखिए फ्रेंड काफ़ी हद तक दूध बॉइल हो चुका है। अब मैं डालने जा रही हूँ उसमें चावल, देखिए आप लोग धुल के चावल डालूँगी, इन चावलों को धुल लेती हूँ, डाल दिए इसमें चावल, ऐसे बार बार इसको चलाती रहूँगी और खीर बन जाएगी, फिर मैं आपको रिजल्ट दिखाऊँगी कितनी अच्छी खीर बनी है, आप लोग बताना ज़रूर। देख लीजिए मैं फिर चलाने आ गई हूँ यहाँ पे, अपने आप पक रही है खीर और मैं चला रही हूँ दूध, सिर्फ चावल तो पक गए हैं, देख लीजिए आप लोग भी ये रह गए, इसमें दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए बस खीर बन के रेडी है। देख लीजिए थोड़ी देर और पकाते हैं, देख लीजिए फिर मैं इसको चला देती हूँ एक बार, अब एकदम पक चुका है। अब इसमें डाल दूँगी चीनी, लोग देख लीजिए मैं डाल रही हूँ चीनी, ये देखिए दो ढक्कन चीनी डालते रहे, देखिए यही खीर, ये देखिए इसमें काजू ले लिए हैं 14-15 काजू हैं, और लगभग 10-12 वो बादाम हैं, इतना नारियल है, इसको भी ग्राइंड करके फिर डालती हूँ, आप लोग देखिएगा। अब मैं डाल दूँगी ड्राई फ्रूट, देखिए खीर बन के रेडी है। अब ये देखिए ये है ड्राई फ्रूट्स, ये देखिए हैं ये ड्राई फ्रूट इसमें डाल देंगे, खीर बनने के बाद रेडी हो गई है, देख लीजिए आप लोग। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, प्लीज़ सपोर्ट करना, प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, धन्यवाद।